हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज मैं फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉयल राइस करके रखी हूँ। साथ ही यहाँ पे गरम मसाला है, काजू, किशमिश, यहाँ पे गाजर, ये है स्वीट कॉर्न, वहाँ है बीन्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही ये थोड़ी सी घी मैं इसे बनाने जा रही हूँ। और ये ग्रीन पीस ये भी मैं यूज करने वाली हूँ। मेरी ऑयल और घी दोनों ही गर्म हो गई है, तो मैं इसमें दालचीनी डाल चुकी हूँ, तेज पत्ता, ये गर्म मसाला, इसे थोड़ी सी भून लेती हूँ। अब मैं एक एक करके ये सारी वेजीज भी डाल देती हूँ। पहले गाजर, बीन्स, ये हाफ हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ग्रीन पीस ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, आपकी सब्जी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये हाफ हो गई है, अब मैं इसमें ये ग्रीन पीस ऐड कर देती हूँ, साथ ही काजू, किशमिश, मैं करके से भून देती हूँ, कॉर्न पीस मैं ऐड कर देती हूँ। दो से तीन मिनट तक, उसके बाद मैं इसमें ये बॉइल राइस मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें ये राइस ऐड कर देती हूँ। साथ ही नमक, पहले भी मैं यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी कमी डाल रही हूँ, और मैं इसे अच्छी तरीके से चला रही हूँ। मेरी स्वीट कॉर्न पुलाव रेडी है सर्व करने के लिए।